और अब बात द पीएम फैक्टर की। लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कामकाज का ब्यौरा सीधे जनता से मांगा है, जिसमें पीएम मोदी ने अपनी सरकार और पार्टी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता से बताने की अपील की है। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वो नमो ऐप पर जनमन सर्वे के जरिए अपनी राय खुलकर बताएं और 10 सालों में वो केंद्र सरकार के कामों को लेकर कितने संतुष्ट हैं इस पर अपने दिल की बात सीधे कहें। कुछ दिनों पहले ही नमो ऐप के जरिए जनता का मूड टटोलने के लिए पीएम मोदी की पहल पर यह सर्वे शुरू किया गया है। शासन के मोदी मॉडल पर जनता कितने नंबर देगी इस पर देखिए आज का द पीएम फैक्टर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। मैं ये सभी वॉलेंटियर्स उनको दो काम देता हूं। ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हुए ना, वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड करें। मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। लेकिन आप अभी इसको बराबर ड्रिप चल रहा है कि उसमें भी अब गड़बड़ हो रहा है? नहीं सर, बराबर चल रहा है सर। खूब फसल लगाया था सर, तरबूज लगाया था सर, 1.5 एकड़ में 1.5 लाख का हुआ है जी सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कैसे नए नए तरीकों से खुद को जनता के साथ जोड़े रखते हैं, इसकी दाद उनके विरोधी भी देते हैं। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। पीएम मोदी कैसे अपनी सरकार के कामकाज को समाज के आखिरी पायदान और हर तबके तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, इसकी मिसाल उनकी सक्रियता और उनके नए नए तरीके हैं। पीएम मोदी कैसे जनता की नब्ज और जनमत पर हमेशा नजर रखने के नए नए कारगर तरीके अपनाते हैं, साथ ही सांसदों को कैसे जनता का जवाबदेह बनाए रखना है, इसके लिए पीएम मोदी अपनी सरकार में आम लोगों की सीधी भागीदारी चाहते हैं और सरकार के कामकाज को लेकर जनता जनार्दन की राय देश के सामने रखना चाहते हैं। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं, जनता भी सरकार के कामकाज का आंकलन कर रही है, लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर सीधे अपनी राय बताने को कहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पिछले 10 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में भारत द्वारा अर्जित की गई प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया सीधे मेरे साथ साझा करें। पीएम मोदी ने जन मन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए एक लिंक भी साझा किया। जन मन सर्वेक्षण के जरिए शासन और सरकार के अलग अलग पहलुओं पर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है।
और इसमें केंद्र सरकार के विकास कार्यों और निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सवाल शामिल होते हैं। जनमन सर्वे में पीएम मोदी ने लोगों से अपनी सरकार के 10 साल के कामों पर खुलकर राय देने की अपील की है। इनमें अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, शत प्रतिशत लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। जनमन सर्वे में जनता से 12 सवालों के जरिए सरकार के कामकाज पर राय मांगी गई है। पीएम मोदी ने जनता से उनके स्थानीय सांसदों को लेकर भी फीडबैक और रिपोर्ट मांगी है। सर्वे के 13वें सवाल में लोगों से पूछा गया है कि क्या वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। आखिर में 14वें सवाल में लोगों से पूछा गया है कि क्या वो विकसित भारत का एम्बेसडर बनना चाहेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से यह भी जानना चाहा है कि वोट करते वक्त क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मुख्य कारण होता है। आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी की अपनी सरकार के बारे में जनता के फीडबैक पर शुरू से ही नजर रही है, इसीलिए पीएम मोदी एक एक नागरिक को सरकार और देश का चौकीदार मानते रहे हैं। आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। जनता से खुद को लगातार जोड़े रखने का पीएम मोदी का यह अंदाज ही उन्हें लोकप्रिय बनाता है। उनकी यही वो खासियत है जिसकी वजह से आम आदमी के बीच मौजूद होने पर लोग अपने दिल की बातें उनसे खुलकर कहते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जब अयोध्या गए तो इस दौरान वो अचानक उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर पहुंच गए। उन्होंने न केवल लाभार्थी महिला से हालचाल पूछा बल्कि सरकार के काम को लेकर उस परिवार की राय भी जानी। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी। और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बा जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है जी। मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी तो पिलाओ ना फिर। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है ये आपने बना दिया जी आपके कृपया से। अच्छा ठीक से बना है। अच्छा पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, यहाँ कपड़े का घर था जी। कहाँ रहते जी? और अब अच्छा बन गया जी। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। अच्छा तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100-200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए जी। अयोध्या में पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर जाने के बाद उनके घर वालों से ये भी जानना चाहते थे कि उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं। पीएम मोदी को इसका जवाब भी मिल गया।
तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला जी, बिजली मिली जी, घर मिला जी, अनाज मिला जी, वाह, और पानी मिल गया, पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिल गए। नहीं नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है, आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं, आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान है। हाँ, चलिए अब तो मकान बन गए आपका जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है जी। अपने मन का ही बना है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। अयोध्या की लाभार्थी मीरा और उनके परिवार ने देश के प्रधानमंत्री से रूबरू होने के बाद सरकार की योजनाओं के बारे में जिस तरह खुलकर अपने मन की बात रखी, पीएम मोदी चाहते हैं कि मीरा की तरह ही देश के दूसरे लोग सरकार के 10 सालों के कामकाज को लेकर अपनी राय खुलकर दें। पीएम मोदी की पहल पर जनमन सर्वे में इस बात को खास तवज्जो दी गई है कि लोगों को व्यक्तिगत रूप से किस योजना का लाभ मिला। जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, पीएम जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, जल जीवन मिशन और नमो भारत जैसी योजनाओं पर भी जनता से फीडबैक मांगा गया है। साथ ही सड़कें, बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में राय देने को कहा गया है। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जनमन सर्वे के माध्यम से पीएम मोदी अपनी योजनाओं के हर पहलू को जनता के नजरिए से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनमन सर्वे की खास बात यह है कि देश का हर नागरिक पीएम मोदी को नमो ऐप के जरिए सीधे फीडबैक भेज सकता है। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी केंद्र सरकार के कामकाज और परफॉर्मेंस को लेकर देश के हर तबके और हर वर्ग की राय जानना चाहते हैं। यूं तो पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की लोकप्रियता हर वर्ग में बढ़ी है, हर वर्ग के लोग उनके कामों की तारीफ भी खुलकर कर रहे हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाई जान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? पीएम मोदी को लेकर ये भरोसा हर समुदाय और हर तबके में बड़ा है, लेकिन पीएम मोदी उस भरोसे को देश के एक एक नागरिक की जुबानी और अपने कामों की कसौटी पर परखना चाहते हैं। इसीलिए पिछले महीने ही जन मन सर्वे के जरिए लोगों से उनकी सीधी राय जानने की शुरुआत हुई।
मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को लेकर सर्वे में जनता से उनके क्षेत्र के सांसदों के बारे में भी पूछा गया है। क्षेत्रीय सांसदों को लेकर जनता से पूछा गया है कि क्या आप अपने सांसद के विभिन्न पहलुओं से परिचित हैं, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट हैं, क्या आपके सांसद निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। लोगों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के 3 सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं के नाम भी मांगे गए। जनमन सर्वे से पहले भी लोगों से मोदी सरकार में विकास के सफर को लेकर राय मांगी गई थी। इसके अलावा मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों से सुझाव भी मांगे जा चुके हैं। जाहिर है अब जनमन सर्वे के जरिए पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का मूड भी पता कर रहे हैं, ताकि उसी आधार पर उम्मीदवारों का भी चयन किया जा सके और पार्टी के घोषणा पत्र को भी लोगों के फीडबैक के मुताबिक तय किया जा सके। नया साल शुरू होते ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में उत्तर भारत के 3 बड़े राज्यों में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद भी हैं और वो लोकसभा चुनाव के मैदान में भी उसी जोश और जज्बे के साथ उतरना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।